हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी ऑनर होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं? इनकी इनकम का कोई एक सोर्स नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्स होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर साल सभी आईपीएल टीमों के मालिक करोड़ों की कमाई कैसे करते हैं, चाहे इनकी टीम हारे चाहे जीते, नंबर वन पर रहे या नंबर आठ पर। लेकिन ज़्यादातर आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों को करोड़ों का प्रॉफिट होता है। आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया के सभी लीग में से सबसे बड़ी लीग आईपीएल है। आईपीएल को 2008 में शुरू किया गया था। आईपीएल T20 लीग है और यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। आईपीएल T20 जब 2008 में शुरू किया गया था, कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बल्कि इंडियन पैसा लीग भी कहते थे। अब जान लेते हैं वो सोर्स कौन कौन से हैं जहाँ से आईपीएल टीम के ऑनर पैसा कमाते हैं। पहला, मीडिया राइट्स, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी कमाई का सबसे बड़ा जरिया मीडिया राइट्स है, मतलब कि वो चैनल जो आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करता है। 2008 में जब पहली बार आईपीएल शुरू हुआ था, तब से लेकर 2018 तक सेट मैक्स ने 8200 करोड़ में आईपीएल के साथ डील साइन की थी, मतलब कि एक साल का 820 करोड़ रुपए। फिर अगले 5 सालों 2018 से 2022 के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने मीडिया राइट्स 16347 करोड़ में BCCI से खरीद लिए। जहां पहले BCCI को एक साल के लिए 820 करोड़ मिलते थे, अब एक साल के लिए 3200 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं। BCCI हर साल इस रकम का 40% हिस्सा हर फ्रेंचाइजी मालिकों को बराबर बांट देता है, यानी कि मीडिया राइट्स से हर टीमों को हर साल लगभग 160 करोड़ की कमाई होती है। दूसरा, टाइटल स्पॉन्सरशिप। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए BCCI उस कंपनी से करोड़ों रुपए लेती है जो आईपीएल के टाइटल को स्पॉन्सर करती है। 2008 में DLF ने आईपीएल को 5 सालों के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे। फिर पेप्सी ने BCCI के साथ अगले 3 सालों के लिए 240 करोड़ रुपए की डील की थी। फिर 2018 से 2022 तक वीवो ने 5 सालों के लिए 2200 करोड़ रुपए में डील की, यानी एक साल का लगभग 440 करोड़ रुपए। लेकिन 2022 में इंडिया चाइना विवाद की वजह से वीवो को टाइटल स्पॉन्सर से हटा दिया गया और उसकी जगह ड्रीम इलेवन ने ले लिया। ड्रीम इलेवन ने BCCI को साल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए 220 करोड़ रुपए दिए। टाटा ग्रुप ने BCCI को साल 2022 से 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए 439.8 करोड़ रुपए दिए। टाइटल स्पॉन्सरशिप से जितना रेवेन्यू आता है उसमें से कुछ हिस्सा BCCI अपने पास रखकर बाकी सारा पैसा फ्रेंचाइजी मालिकों को बराबर बांट देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों की कुल कमाई का लगभग 20-30% हिस्सा टाइटल स्पॉन्सरशिप से ही आता है। तीसरा, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आईपीएल की हर टीम का एक ब्रांड स्पॉन्सर्स होता है। अगर आप गौर करेंगे तो प्लेयर जो टी शर्ट और लोअर पहनते हैं उस पर कई सारे ब्रांड्स का नाम और लोगो छपा होता है। प्लेयर की कैप किट में भी कई ब्रांड के नाम और लोगो छपे होते हैं। इसमें हर टीम का एक प्रमुख स्पॉन्सर होता है और बाकी को स्पॉन्सर होते हैं। इसके अलावा टीम के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए अपने खिलाड़ियों से वीडियो एड्स भी बनवाती है, जिसके बदले बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। टीम स्पॉन्सर के अलावा और भी कई सारे स्पॉन्सर होते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड पर काफ़ी सारे स्पॉन्सर के नाम लिखे होते हैं, बोर्डिंग्स लगे होते हैं, स्टंप पर नाम छपे होते हैं, बाउंड्री बॉर्डर पर भी लगातार कई ब्रांड के नाम हाईलाइटेड होते रहते हैं। ये सारे ब्रांड टीम ऑनर को काफ़ी ज़्यादा पैसा देते हैं। चौथा, मर्चेंडाइज सेल्स। मर्चेंडाइज सेल्स यानी कि खिलाड़ियों की जर्सी, कैप, किट पर फ्रेंचाइजी अपनी टीम का नाम लिखकर उसे ऑनलाइन बेचती है। इससे भी फ्रेंचाइजी के मालिकों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। आप ऑनलाइन देख सकते होंगे कि कई सारे टीम की जर्सी, खिलाड़ियों के नाम का किट, खिलाड़ियों का नाम का जर्सी, उनकी कैप और उनकी साइन किए हुए बैट, ये सभी मर्चेंडाइज सेल का एक हिस्सा है। टिकट सेल। हर साल फ्रेंचाइजी कम से कम 7 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलती है, जैसे कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक अपने हिसाब से टिकटों के दाम तय करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंडियंस ग्राउंड वानखेड़े जैसे स्टेडियम एक मैच के टिकट बिकने से लगभग 5-6 करोड़ की कमाई कर लेते हैं। इस कमाई का लगभग 70-80% हिस्सा आईपीएल टीम मालिकों को मिलता है। इससे भी फ्रेंचाइजी मालिकों को करोड़ों रुपए की कमाई होती है। प्राइज मनी। प्राइज मनी जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया है।
प्राइज मनी जो भी टीम आईपीएल फाइनल जीतती है उससे टोटल प्राइज मनी का 50% हिस्सा मिलता है। उदाहरण के लिए प्राइज मनी अगर 20 करोड़ है तो 10 करोड़ सीधा आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक ऑनर के खाते में जाता है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से जरिए हैं जहाँ से आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक पैसा कमाते हैं।